हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटंस वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होने वाला वीवो प्रो कबड्डी का 39th मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात करें, ये जो मैच है 8:30 बजे रात को खेला जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। यहाँ पर मैं 5 ग्रैंड लीग टीम बना चुका हूँ, आपको पूरी 6 ग्रैंड लीग टीम दिया जाएंगे। लेकिन एक जो ग्रैंड लीग टीम बनेगा यहाँ पर लाइव बना के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा पॉइंट्स टेबल पे कितने पोजीशन पे तेलुगु टाइटन्स और हरियाणा स्टीलर्स, और इसके साथ साथ दोनों टीम ने लास्ट मैच में कौन सा टीम से जीते हैं, कौन सा टीम से हारे हैं, ये सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। उसके बाद दोनों टीम के जो लास्ट मैच के स्कोर कार्ड है वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर राइडर डिफेंडर ऑलराउंडर्स पर किसको पिक करना चाहिए, सारा जानकारी मतलब ए टू जेड सारा पैकेज आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो 5 ग्रैंड लीग टीम हमने बना लिया और 6 ग्रैंड लीग टीम हम लोग बनाने वाले हैं। तो भाई एक बार देख लीजिए, तेलुगु टाइटन्स की बात करें, हम बात करने वाले हैं तो तेलुगु टाइटन्स लास्ट मैच में यहां पर जयपुर पिंक पैंथर से 24 पॉइंट्स डिफरेंस है हार गया था। तो यहाँ पर तेलुगु टाइटंस की फॉर्म बहुत ख़राब है। हरियाणा स्टीलर्स की बात किया जाए तो हरियाणा स्टीलर्स में लास्ट मैच यहाँ पर गुजरात जैन से यहाँ पर 3-4 पॉइंट डिफरेंस है हार गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीम लास्ट मैच हार के आ रहा है। अगर पॉइंट्स टेबल में बात किया जाए तो तेलुगु टाइटन्स ने सीजन में 6 मैच है 1 मैच जीते हैं, 5 मैच हार के यहाँ पर लास्ट पोजिशन पर। और वहीं यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की बात करें, 6 मैच है 2 मैच जीते हैं, 4 मैच हार के 9th पोजिशन पर। इसका मतलब है 9th पोजिशन वर्सेज लास्ट पोजिशन के बीच में ये मैच होने वाला। तो यहां पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भाई यहां पर मैं आपको बताने वाला, यहाँ पर मोहित को आप डिफेंस में जरूर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर राइडिंग सेक्शन में बात किया जाए तो यहाँ पर एन नितिन रावल यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद विनय वीरेंद्र है यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे। अगर राइडिंग सेक्शन में बात किया जाए तो मंजीत को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मीतू महिंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 5 प्लेयर्स को पिक कर चुके हैं। अभी भी यहाँ पर 2 प्लेयर्स को पिक करना है, लेकिन 2 प्लेयर्स को पिक करने से पहले आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लास्ट मैच की स्कोर कार्ड जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देख लेंगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों इन प्लेयरों को आपको टीम में लेना चाहिए, आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा, यहाँ पर जो 5 प्लेयर बताएं। लेकिन अभी 2 प्लेयर को पिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में जो मैच है उसका 6 ग्रैंड लीग टीम ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पूरी जानकारी मैंने दिया भाई इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग जीतने की भी चांस है बहुत हाई हो जाएगा, क्यों पहले मैं हेड टू हेड 3 स्पॉट 5 स्पॉट्स का टीम देता था, लेकिन यूजर्स की डिमांड पर मैंने ग्रैंड लीग की भी टीम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर अगर आप ये वीडियो की बात करें, ग्रैंड लीग के लिए भी आप यूज कर सकते हो हेड टू हेड 3 स्पॉट 5 स्पॉट्स। अगर आप मेरे टीम के साथ खेल लेते हो तो यहां पर आपको 5 ग्रैंड लीग टीम दिया जाएगा। इसके साथ साथ 6ठा जो टीम है वो ग्रैंड लीग का भी होगा, हेड टू हेड 3 स्पॉट 5 स्पॉट, ये सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाला है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और आज की जो मैचेस है भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, पुनेरी पल्टन वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटन्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में ये जो तीनों मैच है, ये तीनों के मैचेस में आपको 6-6 ग्रैंड लीग टीम मिलने वाला है। और इसके साथ साथ तेलुगु टाइटन्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर 0 रुपये एंट्री है 20,000 की। तो आपको मैं 6 ग्रैंड लीग टीम दे रहा हूँ, तो 1 ग्रैंड लीग टीम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और वो जो ग्रैंड लीग टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, ये टीम आप में यहाँ पर यूज कीजिएगा तो आप यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक भी पैसा नहीं लग रहा। तो ए टू जेड सारा जानकारी आपको यहां पर मिलेंगे, लेकिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। अगर बाई मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको @ उसके बाद शत्रुघ्न टाइप कीजिएगा भाई, यहां पर शत्रुघ्न 225 इस प्रकार सर्च करते आपको मेरे चैनल हो जाएगा। आपको मेरे चैनल स्क्रीन पर नजर आता होगा, 1600 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ यूजर्स है, एक नहीं 2-2 यूजर्स ने मेरे नाम पर फेक चैनल बनाया, इससे आपको बच के रहना। जो मेन चैनल है भाई यहीं पर मिलने वाला फाइनल टीम फर्दर अपडेट, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो यहां पर हम 5 प्लेयर्स तो पिक कर चुके हैं, लेकिन एक बार लास्ट मैच की स्कोर कार्ड देख लेते हैं तो आपकी डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहां पर पहला जो प्लेयर है तेलुगु टाइटंस का, आदर्श एक नया प्लेयर है, लास्ट मैच में 8 राइट पॉइंट 1 बोनस पॉइंट कुल मिला के 9 पॉइंट लिया था। मोनो गोइट की बात करें, एक राइट पॉइंट 4 बोनस पॉइंट कुल मिला के 5 पॉइंट हुआ। विशाल भरद्वाज ने 3 टैकल पॉइंट लिया था। सिद्धार्थ देसाई की बात करें, यहां पर 2 राइट पॉइंट 1 बोनस पॉइंट 3 पॉइंट मिला था भाई यहां पर इनको, सिद्धार्थ देसाई को यहां पर लास्ट मैच में। और मोहित पाहल की बात करें, एक टैकल पॉइंट 1 बोनस पॉइंट 2 पॉइंट मिला। विनय वीरेंद्र एक ही बोनस पॉइंट ले पाए और प्रवेश मैंसवाल एक बोनस पॉइंट रहा, इनके डिफेंस एकदम फ्लॉप रहा दोस्तों। विजय कुमार ने यहां पर 1 टैकल पॉइंट लिया। तो देखा जाए तो यहां पर लास्ट मैच में तेलुगु टाइटन्स तो पूरा फ्लॉप रहे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो एक ही प्लेयर खेले, उसका नाम है आदर्श। आदर्श को आप टीम में ले सकते हो, एक नया प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा स्टीलर्स के लिए, तो हरियाणा स्टीलर्स के लिए बात किया जाए तो भाई आप देख सकते हो लास्ट मैच में मीतू ने यहाँ पर 9 राइट पॉइंट 7 बोनस पॉइंट कुल मिला के 16 पॉइंट लिए। मंजीत ने यहाँ पर लास्ट मैच में 3
राइट पॉइंट, दो बोनस पॉइंट कुल मिला के 5 पॉइंट लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर जयदीप ने यहाँ पर 4 टैकल पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट, 5 पॉइंट लिया था भाई यहाँ पर। उसके बाद मोहित ने 2 टैकल पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट, 3 पॉइंट मिला। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बास्तमी ने यहाँ पर 2 टैकल पॉइंट लिया, प्रभंजन ने 2 राइट पॉइंट लिया, नितिन रावल ने यहाँ पर 1 बोनस पॉइंट लिया और यहाँ पर सुशील ओम खत्री ने यहाँ पर 1 बोनस पॉइंट लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर की खास परफॉर्मेंस तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ प्लेयर्स को मेंशन करूँगा। मीतू ने लास्ट मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दी, पूरे 16 पॉइंट लिए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जयदीप का एक अच्छा रोल रहा, ये दोनों ने अच्छे खेले। तो यहाँ पर दोनों टीम के स्कोर सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर मीतू को तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, आदर्श यहाँ पर एक नया प्लेयर है, आप इनको याद टीम में रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आदर्श आपको नजर आ रहा है तो आप इनको जरूर टीम पे रखिएगा, वो ऑलराउंडर सेक्शन में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर विनय वीरेंद्र की जगह आप यहाँ पर टी आदर्श को अपने टीम में ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखते हो 5 प्लेयर तो हम लोग पिक कर चुके हैं। और राइडिंग सेक्शन में भाई यहाँ पर तेलुगु टाइटन से कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, तो सिद्धार्थ देसाई को आप टीम में रखिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर डिफेंस सेक्शन में बात किया जाए तो यहाँ पर विशाल भारद्वाज को आप अपने टीम में ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे टीम बन गया। आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको किसको लेना चाहिए, तो लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो मीतू महेंद्र ने अच्छे खेले तो आप इनको कैप्टन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं मंजीत पे जाने के लिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको साथ देगा। उसके बाद वाइस कैप्टन पे भाई यहाँ पर मीतू महेंद्र को आप अपने टीम में ले लीजिएगा। तो देख सकते हो टीम यहाँ पर 2 डिफेंडर, 2 ऑलराउंडर, 3 राइडर है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंजीत और यहाँ पर मीतू महेंद्र है। तो भाई ये जो टीम है 6th ग्रैंड लीग टीम हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इस टीम को पहले सेव करके रख लेना। तो मैं टीम को सेव कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 6th ग्रैंड लीग टीम मेरा बन गया। अभी हम लोग पहला ग्रैंड लीग टीम देखने वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफेंस सेक्शन में मोहित, जयदीप, कुलदीप है भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में नितिन रावल, विनय वीरेंद्र है और यहाँ पर राइडिंग सेक्शन में मंजीत, सिद्धार्थ देसाई, मीतू महेंद्र है। तो आपको देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर सेम प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ, ये हमारे 1st ग्रैंड लीग टीम है। अगर दूसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर 4 डिफेंस के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर विशाल भरद्वाज, सुरजीत सिंह, मोहित और यहाँ पर जयदीप कुलदीप है और यहाँ पर नितिन रावल है ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर यहाँ पर राइडिंग सेक्शन में बात किया जाए तो भाई यहाँ पर मंजीत और मीतू महेंद्र है। आप चाहे तो यहाँ पर नितिन रावल की जगह आप यहाँ पर टी आदर्श को भी ले सकते हो और यहाँ पर विनय वीरेंद्र को भी आप अपनी टीम में कंफर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं दो हरियाणा राइडर्स के साथ जाना क्योंकि तेलुगु टाइटन्स के राइडिंग सेक्शन बहुत ख़राब है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तीसरा ग्रैंड लीग टीम के यहाँ पर विशाल भरद्वाज, जयदीप कुलदीप है और यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे भाई यहाँ पर नितिन रावल और बास्तमी है। यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की प्लेयर है भाई, लास्ट मैच में 2 टैकल पॉइंट है लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइडिंग सेक्शन में मंजीत, सिद्धार्थ देसाई, मीतू महेंद्र है। अगर टीम की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको नितिन रावल पे मैं थोड़े रिस्क ले रहा हूँ, ये रिस्क टीम है। नितिन रावल को मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन पे भले ही भाई अभी तक यहाँ पर सिद्धार्थ देसाई की फॉर्म इतना खास नहीं चल रहा, लेकिन अभी भी इन पर मैं थोड़ा भरोसा रखे इनको मैं वाइस कैप्टन ले रहा हूँ। ये मेरा तीसरा ग्रैंड लीग टीम बन गया। अगर चौथा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर टीम पर देख सकते हो भाई यहाँ पर, तो पहला जो टीम आपको पहला 3 टीम देख लें, चौथा टीम की बात किया जाए तो विशाल भरद्वाज, मोहित अपर, जयदीप कुलदीप है और यहाँ पर नितिन रावल, विनय वीरेंद्र है और यहाँ पर आपको राइडिंग सेक्शन में मंजीत और मीतू महेंद्र नजर आ रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं 2 हरियाणा प्लेयर्स को यहाँ पर मैंने पिक कर लिया, मीतू महेंद्र और यहाँ पर जयदीप कुलदीप है। ये मेरा चौथा ग्रैंड लीग टीम है। अगर यहाँ पर 5th ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो पूरी रिस्क टीम है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा तेलुगु टाइटन्स प्लेयर्स पे फोकस किया क्योंकि तेलुगु टाइटन्स भले ही लास्ट पोजीशन पे 6 में से 1 ही मैच जीते हैं, अगर हरियाणा की भी बात करें सेम हाल है भाई, 6 में से एक्स्ट्रा 2 मैच जीते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म इसको नज़र रखते हुए यहाँ पर मैंने तेलुगु टाइटन्स प्लेयर्स को फोकस किया। परवेश महिंसवाल, सुरजीत सिंह, मोहित यहाँ पर डिफेंस में और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में मोहित गोयट और यहाँ पर मोनू गोयट और यहाँ पर विनय वीरेंद्र है और यहाँ पर राइडिंग सेक्शन में भाई मंजीत और सिद्धार्थ देसाई नज़र आ रहे हैं। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं विनय वीरेंद्र और सिद्धार्थ देसाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर आपको नजर आ रहा है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ग्रैंड लीग टीम हम लोग यहाँ पर, ये 5वां ग्रैंड लीग टीम है लेकिन आपको ऑलरेडी मैं 6ठा ग्रैंड लीग टीम जो है आपको लाइव बना के मैंने दिखाया। तो भाई ये जो टीम है सारा जानकारी आपको मिलने के बाद फाइनल टीम जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे पाऊंगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ, एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, वहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सबको दिया जाएंगे क्योंकि विनिंग स्क्रीनशॉट भी है वहीं पर मिलेंगे भाई। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर देखा जाए तो पहला जो मैच है पुनेरी पल्टान वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स, इसका 6 ग्रैंड लीग टीम मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद तेलुगु टाइटन्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में जो मैच है इसको भी कवर हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं। कल के जो मैचेस है गुजरात जेंट्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में, दबांग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स, ये दोनों की ग्रैंड लीग टीम आपको अब देने वाला हूँ, यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ भाई इंटरनेशनल मैचेस जो क्रिकेट हो रहे हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। कल की जो मैचेस है इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, ये दोनों की ग्रैंड लीग टीम मिलने वाला है। तो फिलहाल हम कबड्डी कवर कर रहे हैं तो कबड्डी के लिए दोनों
मैचेस पे आप जुड़ के रहना, क्योंकि यहाँ पर एक घंटा के अंदर दोनों वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो दोनों वीडियो आपको यूट्यूब पे जाकर देखना भाई, टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करूँगा। लेकिन अभी जो मैच है श्रीलंका वर्सेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो मैच हो रहा, सॉरी या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि यहीं पर अभी 6 ग्रैंड लीग टीम देने वाला। तो आपको टेलीग्राम पे कबड्डी क्रिकेट दोनों कवर किया जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी सारे मेन मैचेस है भाई, क्योंकि मेन मैचेस में हम लोग एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा, इसके साथ साथ वीवो प्रो का बढ़े, आपके जितने भी लॉसेस है मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलिएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।